हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो है आप लोगों को बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक बताने वाले हैं जो आपके कंपटीशन में बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। और अगर इस तरह के तमाम वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल से हमारे जुड़िए। जैसे आपको क्वेश्चन जो है कंपटीशन में मैथ के मिलते हैं तो आप जो है घबरा जाते हैं और टाइम जो है अधिक वेस्ट करते हैं और बोरिंग होता रहता है। तो आज जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के नियम बताने जा रहा हूँ कि ट्रिक से हम कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आइए समय बर्बाद किए बगैर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है 6+6, 6+ ऐसे इस तरह के क्वेश्चन मिल रहा है तो आप इसको बहुत फराटेदार जोड़ सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 × 6 को रिपीट किया गया है तो हम क्या करते हैं, 6 का टेबल अधिक से कम बार पढ़ देते हैं, इसका एडिशन हो जाता है। जैसे 4 बार है 6×6=24 हासिल 2, 3 बार आप पढ़ेंगे 36×18=20 हासिल 2, अब 2 बार पढ़ेंगे 6×2=12, 2×14 हासिल 1, अब 1 बार पढ़ेंगे 6×6=7, ये रहा आपका आंसर। तो है ना फराटेदार, इस तरह से आप क्वेश्चन बहुत ही फास्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि अगर इसी संख्या के आगे पॉइंट लग जाए 0.6+0.66+0.666+0.666, ये कितनी भी बार आप लिख सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। तो इस सवाल में डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल जब आ जाएगा तो अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे लेकिन अब कम से अधिक बार पढ़ेंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और जितनी टाइम्स लिखा है उतनी बार हम पढ़ेंगे। 4 बार है ना, 4 बार पढ़ेंगे। चलिए 6×6=12 हासिल 1, 36×18=19 हासिल 1, 6×6=24=25। सबसे ज़्यादा 0.4 अंक बाद है इसलिए 4 अंक बाद 0.5 हम यहाँ लगा देंगे, ये रहा हमारा आंसर। इस तरह से बहुत फराटेदार आप जो है इस तरह के जोड़ कर सकते हैं। अगर 0.5 रहेगा तो कम से अधिक बार, अगर नहीं रहेगा तो अधिक से कम बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो है ये कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक हमारा इस तरह से मिल जाएगा आपका। जैसे तीसरा ट्रिक इस तरह मिल गया, कोई कहा कि 75+11/19 कितना होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो जब अंश हर से छोटा रहेगा तो केवल इसको ज्वाइंट करके लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 77 सही 11/19, यही आपका आंसर हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी तरह से अगर यही क्वेश्चन घटाने के रूप में आ जाए, जैसे 88-17/25 इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि अंश हर से क्या है, छोटा है। जब अंश हर से छोटा है तो हमारा ट्रिक ये इस तरह काम करेगा कि अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो आगे वाले नंबर को 1 कम कर लेते हैं, 87 हमेशा 1 कम कर लेंगे, और हर में से अंश को घटा देंगे, 25 में से 17 गया आपका क्या होगा 8, और नीचे हो गया आपका 25। इस तरह आपका आंसर आ चुका है 87/8/25। तो ये ट्रिक कैसा है जरूर बताइएगा आप। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमको 60 में से 23/27 घटाना है तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही फास्ट करेंगे हम। ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो 1 कम करेंगे 59, और 27 में से 23 गया 4/27, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर बड़ा दिखने लगे, जैसे 85+25/7, तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो अंक है, संख्या है, वो बड़ी हो चुकी है, अब हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, अगर अंश हर से बड़ा हो गया तो इसको मिश्र भिन्न में हम बदलेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में 37/21 शेष बचेगा 4/7, उसके बाद इसको ज्वाइंट कर देने से फिर मेरा आंसर आ जाएगा 85/3, 88 सही 4/7, ये रहा आपका आंसर। तो अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो कैसे जोड़ेंगे,
आप समझ गए होंगे, अंश हर से छोटा रहेगा तो केवल ज्वाइन कर देंगे तो जुड़ हो जाएगा, लेकिन अगर अंश बड़ा हो हर से और घाटा ना आ जाए, अंतर आ जाए, जैसे 45 माइनस 36 बटा 7। अब देखिए अंश फिर हर से बड़ा हो चुका है, तो फिर मैं मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करूँगा, 7 × 5 = 35, 1/7। अगर इतना आप कर लेते हैं तो यहाँ जो अंक दिख रहा है उसे एक अधिक इसमें से घटाना है। अब यहाँ जो अंक दिखेगा उसे एक अधिक घटाएंगे, हमेशा 5 आएगा तो 6, 6 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 8, तो 5 है तो 6 घटाइए 39, और 7 में से 1 गया 6/7। घटाने के हर प्रश्न में हर में से अंश को घटा कर ही लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपके ये 4 क्वेश्चन में बताया कि अंश अगर छोटा हो तो जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, अगर अंश बड़ा हो तो जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे। आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, और अगर इसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अगर इस तरह मिल गया, 8 सही 3/11 -2 +6 सही 5/22 -3 सही 7/44 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको भी आप 30 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। कैसे, ध्यान सुनिएगा, इसका ट्रिक है पूर्णांकों का योग इंटीजर, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, प्लस भिन्नों का योग, ये आपके मन में याद रहेगा, भिन्नों का योग। और अपना काम हम करेंगे कैसे, सुनिए, पूर्णांक का मतलब जो आगे वाले अंक दिख रहे हैं। चलिए 8 में से 2 गया 6, 6 × 6 = 12, 12 में से 3 गया 9 प्लस, अब भिन्न का एलसीएम लेंगे 11, 22, 44 का एलसीएम क्या हो जाएगा 44, 11 से भाग देंगे 11, 4 = 44, 4 × 3 = 12, और नीचे वाला से भाग देंगे और जितनी बार भाग जाएगा ऊपर गुणा कर देंगे प्लस, इसका चिन्ह लिख लिए प्लस, 22 × 44 = 2×5 = 10 माइनस 44 × 1 = 7 9 प्लस 12, 10, 22 में से 7 गया 15/44। फिर आ गया वही कहानी कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो ज्वाइंट करके लिख दीजिए 9 whole 15/44। तो देखिए इस तरह के बहुत से वीडियो आपको मिलने वाले हैं, आप हमारे चैनल से अगर जुड़ते हैं तो इस तरह के बहुत से ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लास मेरा लेना चाहते हैं तो आप जो है टीचमेंट ऐप, जो बहुत ही भारत का शानदार ऐप है एजुकेशन के लिए, उस टीचमेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसमें मेरा क्लासरूम आईडी जो है ये डालकर आप उस पर लाइव क्लास ले सकते हैं, 8002747456 से आप ज्वाइन हो सकते हैं डेली 8 PM पर, यानी 8 बजे शाम को इस पर आप लाइव हो सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।